नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट शेयर के बारे में कि आपका उसमें क्या प्लानिंग होना चाहिए, आप किस तरह से आगे का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा जो शेयर है वो है IRCTC। दोस्तों देख रहे हैं IRCTC, जैसे न्यूज आया कि 21 तारीख से जो है आगे जो है बहुत सारी ट्रेनें 100 ट्रेनें चले जाएगी, तो आज से जो 21 तारीख है 21 तारीख से टिकट बुकिंग चालू है। तो आज जैसे ही चालू हुआ तो कुछ ही समय में 200,000 टिकट की बुकिंग हो चुकी है। इसलिए आपको IRCTC में देख सकते हैं कि अपर सर्किट लगा हुआ है, और ये कल से लगातार देख सकते हैं कि अपर सर्किट, दो दिन से लगातार इसमें अपर सर्किट देखने मिल रहा है। तो इसमें आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं कि अभी जो 200,000 है टिकट बुक हुआ है कुछ ही समय में, तो कल आपको पूरा पता चल जाएगा कि कुल कितने टिकट बुक हुए हैं। लेकिन जितना भी टिकट बुक हुए हैं, जैसे ये सारे आदमी अपने जगह पर पहुंच जाते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको देखने मिलेगा कि ट्रेन हो सकता है कि बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो कुछ ही ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वही चालू रहेंगे, और जो बाकी बाद जो भी वर्कर्स फंसे हुए हैं या जो भी आदमी अन्य शहरों में फंसे हुए हैं, जैसे वो अपने शहर पहुँच जाते हैं, तो फिर से हो सकता है ट्रेन जो है बंद कर दिया जाए। तो जैसे ट्रेन फिर से बंद कर देता है, तो फिर से इसमें आपको लोअर सर्किट देखने मिल सकता है। लेकिन अभी जो गुड न्यूज है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि दो दिन से लगातार यहां से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो इसमें आपका आगे की रणनीति यही होना चाहिए कि अभी आप इसमें वेट एंड वॉच करें, क्योंकि देख सकते हैं आप, अगर आपको इन्वेस्ट करना था तो यह शेयर पहले ही 1200 के आसपास आ चुका था, तो उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। अब आप इसमें थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि लगातार अपर सर्किट चल रहा है, तो अभी आपको शेयर मिलने वाला भी नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो हो सकता है आप इसमें फिर, जैसे ट्रेन का न्यूज आता है कि ट्रेन को रद्द कर दिया गया या चाहे बंद कर दिया गया, तो फिर से आप इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है। पहले भी टिकट बुक कराया गया था, फिर कैंसिल किया गया था, फिर बुकिंग हो रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा अभी बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बैडली अफेक्टेड होगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत कम प्रॉफिट IRCTC दिखा पाएगा। तो ऐसे में आपकी रणनीति यही होना चाहिए कि अभी आप इसमें वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी देख सकते हैं शेयर का जो प्राइस है 1400 मतलब 1400 पर जा चुका है। तो ऐसे में आपको बहुत ही कम चांस है कि यहां से आपको आगे अच्छा रिटर्न मिले। इसलिए जैसे ये 1200 के आसपास था तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अभी आप वेट एंड वॉच करें। दूसरे शेयर पर चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। देखते हैं अभी भी शेयर में बहुत ही मामूली आज बढ़त देखने मिला। आज इसका करेंट प्राइस है 1440 रुपीज़, और मात्र 6 रुपीज़ का इसमें बढ़त है। तो अभी आप इसमें क्या करें, इसमें भी वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी इसका राइट इश्यू का अप्लाई डेट है, लगातार अप्लाई हो रहा है। तो अभी इस शेयर को कभी टूटने नहीं देगा, इस प्राइस को कभी भी नीचे नहीं जाने देगा। ये कोशिश किया जाएगा कि जो हमारा अप्लाई डेट है 1 जून तक, तब तक ये शेयर का प्राइस ना टूटे, तभी तो राइट इश्यू सफल हो पाएगा। तो राइट इश्यू को सफल बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा कि शेयर का प्राइस जो है वो ब्रेक ना हो। लेकिन जैसे हमारा राइट इश्यू का अप्लाई हो जाता है, सारा काम फिनिश हो जाता है, तो जो डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन से भी थोड़ा शेयर के प्राइस में गिरावट आ सकती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे रिलायंस के राइट इश्यू के बाद, तो उसमें डाइल्यूशन के बाद शेयर प्राइस में कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा। तो इसमें आगे की रणनीति, अगर आप इसमें करेक्शन आता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिलायंस लगातार जो है कई सारे ब्रोकरेज हाउस इसमें इन्वेस्ट करें, कई सारी कंपनियां जो है फॉरेन कंपनियां इसमें लगातार इन्वेस्ट कर रही है। हमने एक वीडियो में कवर किया था कि अभी कुल जो है 4 कंपनियां इन्वेस्ट कर चुकी है, पाँचवें भी लाइन में है। तो ऐसे में आप रिलायंस इंडस्ट्री में कभी भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने रिलायंस में मिल सकती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इसमें अपना पोजिशन बनाना, तो धीरे धीरे SIP मोड में बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस। दोस्तों अभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाला नहीं है, बहुत ही कम आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि लोगों के पास अभी बहुत ही कम लोगों के पास जॉब है, तो लोग कोई भी अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे। कोई ट्रेवल नहीं कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए SBI कार्ड में जो है आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको लगे कि इसका बिजनेस जो है अब फंक्शन में आने वाला है, मतलब बिजनेस का चालू होने वाला है, रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा अब SBI कार्ड के द्वारा, तभी आप इसमें इन्वेस्ट
करें, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन मेरा जितना लंबा चलेगा या कहे कोरोना जितना अधिक फैलेगा, जितना अधिक कोरोना प्रभाव डालेगा, उतना ही SBI कार्ड जो अपना रेवेन्यू जनरेट करने में टाइम लेगा। लेकिन जो ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेमेंट गेटवे है वो भी SBI कार्ड को धीरे धीरे प्रीफर कर रहा है, तो वैसे में इसका जो सर्विसेज है उसका जो रेंज है उसका जो रीजन है वो बढ़ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे क्षेत्र में भी SBI कार्ड अपना धीरे धीरे पहुंच बना रहा है, जो ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस है उसमें अपना धीरे धीरे कनेक्शन बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आगे जा करके बेनिफिट कर सकता है SBI कार्ड को। लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लोग ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से पे करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पास जॉब ही नहीं है, तो इसलिए आपको SBI कार्ड में भी अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जैसे ये 500 के आसपास मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इसका 52 वीक लोग देख सकते हैं जो हमारा है 501 रुपीज है, तो ऐसे में 500 के आसपास आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद तीसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा कहा जा रहा है कि आगे चल के हिंदुस्तान यूनिलीवर और एवेन्यू सुपरमार्ट इसमें आगे तेज़ी देखने मिल सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट कई दिनों से लगातार जो है तेज़ी देखने मिला है, वही हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी हो सकता है आगे चल करके जो है आपको तेज़ी देखने मिले। तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट इसमें अभी लगा देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आपको करेक्टेड प्राइस पर ये मिल रहा है, तो पहला SIP जरूर कर दें आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और करेक्शन आता है तो फिर और इन्वेस्ट करें, और करेक्शन आता है जितना मतलब करेक्शन इसमें आते जाता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं, निफ्टी के टॉप 3 में आने वाली कंपनियां हैं, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपना पहला SIP लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारा जो चौथा है रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, देख सकते हैं इसमें लगातार लोअर सर्किट देख सकते हैं, कई दिनों से लगातार इसमें लोअर सर्किट देखने मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के हमने इसमें वीडियो बनाया था कि आप कभी भी इसमें फंस सकते हैं, तो लोगों ने हमें बहुत सारे निगेटिव कमेंट किए थे, आप यूँ ही कह रहे हैं ये शेयर 1200 रुपये जाएगा ये जाएगा। दोस्तों इसमें खुद हम इन्वेस्टेड हैं, हमने अपना बताया भी था सारा स्ट्रेटेजी, हमने अपना सारा पीछे का जो सिनेरियो है हमने जो फेस किया उसके बारे में भी बताया था। हम इसे 9.5 रुपये के प्राइस पर बाय किए थे, और जब ये फिर से डाइल्यूशन हुआ इसका 100 शेयर पर एक शेयर दिया गया उसमें 98 शेयर मेरा गायब कर दिया गया, 398 शेयर मेरे पास था, 300 के बजाय 3 शेयर हमें दिया गया, तो अभी भी हम इसमें लॉस में हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 3 रुपीज़ के प्राइस पर इसे बाय किया था उनका अच्छा है, वो अगर 3 रुपीज़ में बाय किए थे तो उनका डबल प्रॉफिट हुआ, मात्र डबल हुआ, ये नहीं कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया ऐसा कुछ नहीं था। जब इसमें अपर सर्किट लग रहा था तो शेयर ये मिल ही नहीं रहा था, किसी को बाय ही नहीं हो रहा था। अब देखिए कोई यहाँ पर बाय किया होगा 700-800 के आसपास, तो वो इसमें फंस चुके हैं, समझ सकते हैं वो ट्रैप हो चुके हैं इसमें, तो इसलिए ऐसे शेयर में आप थोड़ा सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करें। उसके बाद आलोक इंडस्ट्री देखते हैं, आलोक इंडस्ट्री भी लगातार अभी अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन कब इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। आप देखते हैं लगातार इसमें अपर सर्किट, यहाँ पर देखते हैं कभी लोअर सर्किट भी देखने इसमें मिल रहा है, कभी अपर सर्किट, इसलिए मैं ऐसे शेयर में आप तभी इन्वेस्ट करें जब ये बहुत ही नीचे के प्राइस पर आपको लोअर वैल्यू पर मिल रहा हो। आप देखते हैं फिर 1 मंथ का चार्ट आप देखेंगे, देखते हैं लगातार अपर सर्किट, तो ये जब आप 4-5 रुपीज़ के आसपास था तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी इन्वेस्ट करें इसमें छोटे क्वांटिटी इन्वेस्ट करें, जैसे ये 4 रुपीज़ में मिल रहा था तो 500 रुपीज़ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, कभी भी इसमें 10,000-20,000 इन्वेस्ट कर दिए ऐसा मत करें, आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का खेल होता है, ये शेयर को ऊपर ले जाता है फिर उसको नीचे लाएगा फिर वहाँ पर बाइंग करेगा फिर उसको ऊपर ले जाएगा, तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को वो इसमें क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है, फंसा देता है, तो आप इसमें बच के रहें। उसके बाद बजाज फाइनेंस, दोस्तों अभी बेस्ट टाइम है, आप बजाज फाइनेंस में पहला अपना SIP कर सकते हैं, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं, और फिर करेक्शन आता है तो फिर आप लगाएंगे, जितना करेक्शन आता है उतना ज़्यादा आप इसमें बाइंग करेंगे, लेकिन अभी बेस्ट टाइम है कि आप इसमें अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि ये भी लगातार ये देख सकते हैं ऊपर जाता है प्राइस फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है इस पर निर्भर करता है, और जो हमारा लॉकडाउन है वो कब ख़त्म होता है, कब सारे सर्विसेज चालू होता है उस पर निर्भर करता है, तो जो फाइनेंस सेक्टर उसमें लगातार प्रेशर देखने आपको मिलेगा, तो इसलिए आप इसमें जो है पहला इंस्टॉलमेंट मतलब पहला अपना SIP लगा सकते हैं
तो SIP मोड में इन्वेस्ट करें स्टॉक में भी, क्योंकि शेयर हमारा अप जाएगा या डाउन जाएगा अभी कोई नहीं कह सकता है किस डायरेक्शन में मार्केट का जो है मार्केट हमारा जाएगा। तो इसलिए पहला इंस्टॉलमेंट आप इसमें लगा सकते हैं। फिर है बजाज फिंसर, ये भी आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, आप इसमें भी अगर 5 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो 1 क्वांटिटी अभी बाय कर सकते हैं, जैसे और करेक्शन आता है तो फिर बाइंग करेंगे, जैसे जैसे करेक्शन आएगा वैसे वैसे बाइंग आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट पहला लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है, हो सकता है ये शेयर 2000 के प्राइस तक भी आ सकता है। अगर इसी तरह प्रेशर आगे के 3-4 मंथ तक देखने अगर मिल गया और मार्केट जो हमारा रिकवर नहीं करता है तो इसमें आपको भारी करेक्शन भी देखने मिल सकता है। तो इसलिए आप आगे हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है ये अभी कोई नहीं बता सकता, इसलिए आप इसमें SIP मोड में ही इन्वेस्ट करें। उसके बाद ITC देखते हैं, आज इसमें बहुत ही तेज़ी देखने मिला, 7% का तेज़ी देख सकते हैं, 7% का तेज़ी देखने मिला। तो जो भी बाइंग किए होंगे 160 के आसपास तो वो अच्छे अभी प्रॉफिट में होंगे। तो देख सकते हैं ITC जो है आज 188 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है, और कभी ये शेयर जो है अभी जो हमारा जो एक तेज गिरावट आया था इसमें पूरे मार्केट में, तो उस समय ये अपना 52 वीक लो 134 रुपीज़ तक जा चुका था। तो समझ सकते हैं जो यहाँ पर बाइंग किया होगा उसे 50% तक का रिटर्न मिल चुका है ITC में। तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा और करेक्शन आए तब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। देख सकते हैं 160 के आसपास था तो उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद आता है हमारा HDFC। दोस्तों ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, देखते हैं अभी जो करेंट प्राइस है 1595 रुपीज़, और इसमें भी देखते हैं लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, प्राइस कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो आप देखते हैं जैसे ये 1500 के आसपास है तो यहाँ पर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। फिर मार्केट के डायरेक्शन में निर्भर करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन पर जाता है, तो जैसे जैसे मतलब मार्केट में गिरावट आती है तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसका भी पूरी तरह से बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक बिजनेस पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो जाता है तो उस कंपनियों के शेयर में आपको मूवमेंट देखने नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ वो मार्केट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, हमारा मार्केट रिकवर करता है या उसमें और करेक्शन देखने मिलता है। उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड, अभी करेंट प्राइस देखते हैं 860 रुपीज़, और अभी आज फ्लैट रहा, 3 रुपीज़ का इसमें मूवमेंट देखने मिला जो कि नहीं के बराबर है, और 5 डेज का भी आप मूवमेंट देख सकते हैं, 1 मंथ का भी देख सकते हैं, तो लगभग कोई इसमें मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ बिजनेस चालू है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। ऐसे भी HDFC फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जो लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, तो आप इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो देखते हैं हाइएस्ट प्राइस है वह है 1305 रुपीज़, तो बहुत ही करेक्टेड प्राइस पर आपको मिल रहा है, तो पहला अपना इंस्टॉलमेंट आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एशियन पेंट हमारा फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन अभी कोई घर को पेंट करने के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि जो हमारा सिचुएशन है इसमें किसी के पास जॉब है ही नहीं, तो बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं तो बहुत कम ही लोगों के पास जॉब बचे हैं। तो ऐसे में लोग पहले अपने सर्वाइव करने के लिए सोचेंगे, पहले अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, अपने डेली नीड्स के बारे में सोचेंगे, कोई घर को पेंट करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो ऐसे में हो सकता है इसका प्राइस में और करेक्शन आपको देखने आगे मिल सकता है। ऐसे भी इसका कई ब्रोकरेज जो 1100-1200 के आसपास टारगेट दिया है कि वहां तक यह शेयर जा सकता है। तो आप ऐसे में पहला इंस्टॉलमेंट ये जब 1500 के आसपास आता है तो लगा सकते हैं और फिर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। उसके बाद वेदांता लिमिटेड, दोस्तों ये वेदांता जो है आगे डीलिस्ट होने जा रही है, तो ऐसे में अगर डीलिस्ट होने जा रही है तो हो सकता है कि इसमें प्राइस मोमेंटम देखने मिले। मार्केट में जो हमारा लगातार जो है कन्फ्यूजन बना हुआ, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में, इसलिए वेदांता में आपको कोई तेज़ी ज़्यादा देखने नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे इसमें तेज़ी आती है तो हो सकता है कि डीलिस्टिंग के कारण जो इन्वेस्टर है इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि जो डीलिस्टिंग है वो ऐसा माना जा रहा है कि 87 रुपीज़ ऑफर किया गया है, लेकिन डीलिस्ट जो होगा वो हमारा 200 के आसपास होगा। अगर 200 के आसपास होता है तो वैसे में आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही फायदे में रहेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि 87 रुपीज़ से नीचे मिलता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इससे दूर ही रहें, क्योंकि ये कंपनी डीलिस्ट होने जा रही है। अगर जो हमारा शेयर होल्डर है वो वोटिंग कर देता है
मतलब एग्री हो जाता है डिलिस्टिंग के लिए, तो निश्चित है कि वेदांता डिलिस्ट हो सकती है। लेकिन 90% जो है इन्वेस्टर को एग्री होना पड़ेगा डिलिस्टिंग के लिए, मतलब जो ऑफर है वो स्वीकार करना पड़ेगा, तभी डिलिस्ट हो सकती है। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट, दोस्तों अभी जो स्टॉक मार्केट देख सकते हैं उसमें सारे शेयर में आपको गिरावट देखने मिलेंगे, लेकिन ये शेयर बहुत ही कम गिरावट देखने मिला है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो है कई दिनों से इसमें लगातार तेज़ी देखने मिला है, और बीच में जो इसमें गिरावट आया था तो अगर आप उस गिरावट में बाय करते तो बहुत ही बेनिफिट्स में रहते, 1800 के आसपास ये आ चुका था। तो समझ सकते हैं ये इतने बड़े मार्केट के गिरावट में भी ये स्टॉक्स खड़ा है, मतलब ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आगे चल करके ये और अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब कभी भी करेक्शन में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने से ना चूकें। तो जैसे ये 2000 के आसपास आता है, उससे नीचे जैसे आता है तो आप लगातार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आगे का सीनेरियो क्या होता है इस पर आप अपने वॉचिंग लिस्ट में लगा सकते हैं। अगला है हमारा नेस्ले इंडिया लिमिटेड। दोस्तों नेस्ले इंडिया देखते हैं, करेंट प्राइस है हमारा 16,287 रुपीज़, और देखते हैं इसमें लगातार जो है हमारा, अगर वन मंथ का चार्ट देखें तो वन मंथ से लगातार इसमें गिरावट देखने मिला है, क्योंकि जो रिजल्ट है उतना बेहतरीन नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेशन था बाज़ार का, तो बाज़ार का जो एस्टिमेट था उसे बीट नहीं कर पाया, इसलिए नेस्ले इंडिया आपको देख सकते हैं लगातार करेक्शन देखने मिल रहा है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो निश्चित है कि नेस्ले इंडिया में और भी भारी गिरावट आपको देखने मिल सकती है, तो इसलिए नेस्ले इंडिया में जैसे करेक्शन जैसे इसका शेयर प्राइस आपको 14,000 या उसके नीचे आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इससे दूर रहें, अभी आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपको सारे को वॉच लिस्ट में लगा लेना है और सबको लगातार आपको ध्यान में रखना है कि जैसे गिरावट आता है तो आप SIP मोड में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप टारगेट रखिए कि 14,000 जो आता है उससे नीचे इन्वेस्ट करें या 14,000 के आसपास। तो ये सारे शेयर थे जिसके बारे में हमने आपको बताया कि क्या आपकी आगे की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन उतार लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।